आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि का संचालन करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक समिति में 12 अवैध सदस्यों को शामिल कर कुछ लोग देश के करोड़ों अम्बेडकर अनुयायियों की आस्था के प्रमुख केंद्र भीम जन्मभूमि स्मारक को हथियाने के प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा लगाए गए हैं। सभी का आरोप है कि प्रशासक द्वारा कराए चुनाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के बायलॉज व नियमों के विपरीत है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि जांच अधिकारी सहायक पंजीयक व पंजीयक महोदय भोपाल द्वारा जिन 12 लोगों की सदस्यता को अस्वीकार किया गया था उन 12 लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर चुनाव करवाए गए हैं, जो कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि सदस्यों की सदस्यता के संबंध में प्रशासन का दोहरा मापदंड समझ से परे है, क्योंकि माननीय प्रशासक द्वारा चुनाव पूर्व बुलाई दावे आपत्तियों को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए खारिज किया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। अतः प्रशासक महोदय द्वारा करवाए जा रहे चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह होने से सभी वरिष्ठ सदस्यों की सहमति से कुल 15 सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर न्याय हित में इस लड़ाई को देश के सभी आम्बेडकर वादियों सहित सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने का फैसला लिया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से संस्था के वरिष्ठ सदस्य गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध डॉक्टर शीला दांगड़े सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। महू में जो डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक है, इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी अनदेखी करके 12 मेंबर जो एलिजिबल नहीं थे उनको संस्था में जोड़ के चुनाव कराने की प्रक्रिया कर संस्थान को हड़पने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा चल रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने ये बुलाई गई है। इसके खिलाफ यहाँ के सदस्य जो लोग थे विभिन्न कोर्टों में गए, रजिस्ट्रार के यहाँ गए, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ गए, उन्होंने ये 12 नावों को काट दिया कि ये गलत है, अवैध तरीके से बढ़ाए गए, इनको हटा दिया जाए। हटा भी दी गए, फिर भी जिला प्रशासन एडिशनल कलेक्टर और SDM इस चीज़ को बहुत मिलकर हवा दे रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल चुनाव था, किसी मेंबर को, अधिकांश मेंबरों को नहीं बुलाया गया, न इन्फॉर्मेशन दी। उसका जो चुनाव का जो बायलॉज की ये है कि बायलॉज के अनुसार एक तिहाई मेंबर कोरम होना चाहिए, तो कोरम की कमी में भी उन्होंने चुनाव कर लिया। और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि इसके लिए हम सब लोग हाई कोर्ट में हमारा केस लंबित है ऑलरेडी। भारत में जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, हमारे फाउंडर मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसी भी सामाजिक संस्था के अंदर जो रेगुलर मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं को ही किसी भी चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेने दिया जाता है। जो लोग रेगुलर नहीं हैं, पंजीयक की जाँच हुई, पंजीयक के जाँच के अंदर सारे सदस्यों को अवैध पाया गया, संस्था को भी ये दिखाया गया कि भाई संस्था नियम से नहीं चली, इस कारण इस संस्था पे हम इसकी शासकीय निकाय भंग करते हैं और इस पर 1 साल के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। हमें ये मालूम पड़ा क्योंकि हमें सूचना नहीं थी, हमने जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें कुछ 12 सदस्य अपने आप को सदस्य कहला रहे हैं, तो हमने 1 मई 2019 को एक शिकायत पत्र यहाँ पर पंजीयक कार्यालय में दिया। उसके बाद में जाँच हुई, जाँच में यह पाया गया कि उनको सदस्य नहीं माना जा सकता। मुख्य पंजीयक की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इनको सदस्य नहीं मान सकते हैं और हम ये संस्था की शासकीय निकाय को भंग कर यहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। हमारे संस्था के बायलाज के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई पंजीयक हमारी संस्था की जांच करेगा, अगर वो अपना निर्णय देता है तो सभी लोगों को उसको मान्य करना पड़ेगा। हमारे संस्था के संविधान में ये कतई नहीं लिखा है कि उसमें शासन
हस्तक्षेप करेगा और शासन उसमें सदस्यों की नियुक्ति करेगा।